धमाका होगा जैसे ही आप अपने फोन में चालू करेंगे फट जाएगा इतना जबरदस्त धमाका होगा, आग होगा, बवाल होगा, ठीक है, है ना। और आप देखेंगे व्यूज की सुनामी आएगी, ठीक है, इतना कमाल का ट्रेलर होगा। हाँ, हमने भी नहीं देखा पर हमें उम्मीद है कि वो इस तरह का होगा, क्योंकि क्योंकि क्या होता ना कि वो कहते हैं ना कि शहर आने वाला है और उसके पहले के गांव बता देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कि हमें शहर से बहुत उम्मीद है, हमें शो से बहुत उम्मीद है, तो हमें मालूम है कि जो भी टीज़र ट्रेलर आएगा वो अगर सिर्फ उसका अगर 0.1% भी रिप्रेजेंट कर देगा तो भी बहुत बड़ा धमाका होगा। आप तीनों जितने भी हैं, तीनों या और भी जो यहाँ पर नहीं, सभी का कॉमेडी लेवल काफ़ी डिफरेंट है। आपका तो मैं देखता हूँ कि हर दूसरी ऑडियंस आपकी कॉमेडी से कनेक्ट करती है। हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो थोड़ा बताइए जरा कि और क्या कुछ इसी तरह का कुछ देखने को हमें मिलने वाला है। हाँ, पहली बात तो ये कि मेरे साथ बहुत सारा हुआ हुआ है, तो ठीक है, ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत हुआ हुआ है तो बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस हो जाता है, लोगों को भी लगता है कि उनके साथ हुआ हुआ है। और एज एन आर्टिस्ट वही तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि सबको लगे कि उनकी कहानी चल रही है। जैसे जो मेरा स्पेशल था अक्से सिंगल अमेजन पे, ये वो उसमें पहला ही स्लेट पे मैंने फरहत शहजाद साहब का एक शेर कहा था कि मेरी सब बातें हैं बातें तुम्हारी, मेरा अपना कोई किस्सा नहीं, ठीक है। तो वो एज एन आर्टिस्ट जितना ज़्यादा रिलेटेबल होगा उतना ज़्यादा वो है ना कि अगर दुख रहा है तो दिल है वाली बात है, एक बात वो। दूसरी बात ये कि कॉमिकस्तान दूसरा क्या हिस्सा था आपके सवाल का, ये नॉर्मल कि इसमें कैसे, हाँ लेवल, कौन सा लेवल आपको देखना है, तो लेवल बाकी जो लेवल, हाँ तो मैं कहता हूँ कि हर आर्टिस्ट का मोटिव ही ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों को छुए, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। वही सब कोशिश हम सातों भी करते हैं, वही सब कोशिश जो हम नौ इंक्लूड बुद्ध हो अभीश और उरूज को भी, हम सारे आर्टिस्ट चाहे वो कोई राइटर हो चाहे कोई एक्टर हो पेंटर भी हो, हम सब कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो जो 10 कंटेस्टेंट हैं वो भी इससे छूते नहीं हैं, इससे बाहर नहीं, तो वो भी अपनी तरह से अपनी अपनी समझ और समझदारी के हिसाब से वही कोशिश उसी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे ख्याल से उसमें से बहुत सारे लोग हमें उम्मीद है कि कामयाब भी होंगे ज़िंदगी में आगे, और शो में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। आपका किस लेवल पर, कौन सा लेवल हमें देखने को, हाई लेवल, लो लेवल, 7.5 क्योंकि ये शो जस्ट जजेस और होस्ट के बारे में नहीं है, कंटेस्टेंट के बारे में। तो आई थिंक हमने इस सीज़न में हमारा पोजीशन बहुत क्लियरली देख लिया कि हम मेंटर हैं और कंटेस्टेंट्स को हाई लेवल पे पहुंचाने का गोल हमारे पास है। तो सो इस बार हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सीरियस एजेंडा से आए कि हमें ये जीतना है। वो पहले सीजन में आई थिंक सब खेल रहे थे, फील कर रहे थे क्या है, और इस सीज़न में लाइक नहीं, हम जीतने आए हैं। तो वो कंपेटिटिवनेस हमने देखा और इट्स वेरी कूल। तो आई थिंक कंटेस्टेंट्स को आप एक नेक्स्ट लेवल में देखोगे इस सीज़न में, क्योंकि आई थिंक द फोकस अभी उनके ऊपर है ज़्यादा, पर हम बस क्या बोलते हैं, हम पौधों में जस्ट पानी डाल रहे हैं। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। No, what's the question? So the question is that that because we all do, so what position we hold in the season? Yeah. Are we going to be funnier? Or funniest? Or our level? I think more than levels, I think in Comicstaan you'll see us people do different kinds of comedy. And when they're doing different kinds of comedy with improv, observational in stand-up, or anecdotal stand-up, or political, topical in stand-up, or sketch, or the levels will change because people will be, you know, if he's good at storytelling, you'll see him really shine in storytelling. If I'm good at improv, you'll see me shine more in improv, etc., etc. And I think that's what will happen with the contestants also. Like, you'll see in different episodes, the levels go up and down as they try new comedy, different types of comedy that they are not familiar with. So I think that's, you'll see that it'll be a graph constantly until the end when the winner is announced.